देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया है, बाजरा और मेथी का परोठा है, कितना अच्छा बन गया है, हेल्थ को भी बहुत ही अच्छा है। ये मिर्ची की अचार के साथ भी बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़े दिन पहले रिलीज किया है मैंने ये हरी मिर्ची का अचार का, आप लोग नहीं देखेगा तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ऐसा बनाइए, बनाने के बाद कैसा टेस्ट आया, कैसा लगा, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सावित्री किचन में स्वागत है आप लोगों का। आज आप लोगों को सामने लेके आई हूँ बाजरा मेथी का परोठा। अभी विंटर आ रही ना, विंटर को ये मेथी बहुत ही अच्छा मिलता है, विंटर ये हेल्थ को भी अच्छा है मेथी, इसलिए बाजरा से बना रही है। कैसा बनाने का दिखाती हूँ। आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साइड में एक घंटी है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। 1.5 कप मैंने बाजरा का आटा ले रहे हूँ, 1 कप डाल दिए हैं और 1/2 कप डाल दिए। 1.5 कप मैंने बाजरा का आटा लिया, 1/2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, वीट का आटा है वो, क्यों बाइंडिंग के लिए चाहिए होता है। मैंने 1 टीस्पून अदरक का कद्दूकस करके लिया है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, कद्दूकस कर लिया। फिर 2 हरी मिर्ची बारीक बारीक काट के डाल दिया, काली मिर्ची दरदरा पीस के रखा है, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डाल दिया है। सर्दी है ना, थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा है। अजवाइन लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, ऐसा करके डाल दिया, बहुत अच्छा खुशबू आ जाएगा। 2 टीस्पून मैंने तिल डाल रही है, तिल डाल दिया है 2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हिंग डाल रही है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून हल्दी डाला है, कलर अच्छा सा आ जाएगा ना। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल रही है, 1 टीस्पून गुड़ डाल दिया है, इससे बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। 1/4 कप मैंने धनिया पत्ता डाल रही है, 2 कप मेथी अच्छे से साफ करके पोंछ के सूखा सूखा काट दिया, 2 कप मेथी डाल दिया। मेथी का सीजन है ना, बहुत बढ़िया रहेगा। धनिया पत्ता भी वॉश करके अच्छे से काट के थोड़ा कपड़ा में अच्छे से पानी निकाल के हम लोग पोंछ के अच्छे से बारीक बारीक काट दिया। देखिए ना, सूखा सुखाए है, बहुत पानी में नहीं निकालने का है, थोड़ा सा हम लोग काट के कपड़ा में रख के थोड़ा सा पानी सूखने के बाद बारीक बारीक काट के इसमें डालने का है। 1 टेबल स्पून घी डाल रही है, आप लोग को घी पसंद नहीं तो ऑयल भी डाल सकता है, मैं तो घी डाल दिया, टेस्ट डबल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा बढ़िया आ जाएगा, इसलिए मैं घी डाल दिया। आप लोग को पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं तो ऑयल से कर दीजिए। स्वाद अनुसार साल्ट डाल दीजिए, मैं तो 1 टीस्पून डाल दिया है। अब एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाफ कप से ज्यादा मैंने दही डाल रही है, एक कप नहीं है, आप थोड़े से कम है। और 1 टेबल स्पून मैंने दही डाल दिया है। जब आप लोग पूरी का आटा गूंथता है ना, ऐसे गूंथ के रख दीजिए, पतला हो जाएगा, पतला हो गए तो मुश्किल है, एकदम अच्छे से इसमें पानी नहीं लगेगा। देखने फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे सॉफ्ट गूंथ के रख दीजिए, इसको अंदर ऑयल का जरूरत नहीं है, देखना ऐसा सॉफ्ट करने का है। अब इसको कैसा बनाने का दिखाते हैं, इसका तोड़ के गोल करेंगे हम लोग, इतना बड़ा बड़ा कर सकते हैं। अभी आटा डाल दिया मैंने, परोठा बना रही है, इसका थोड़ा सा आटा डाल दीजिए आप लोग, जो देखना फ्रेंड्स ऐसे बनाएंगे, ज्यादा पतला भी नहीं है, ज्यादा थिक भी नहीं है, ऐसा बनाने का अभी दिखा दूंगी काट के इसको। थोड़ा सा मैंने ये प्लेट लिया है, उससे कट करके लेती है साइज का, आप लोग को बड़ा चाहिए तो भी बड़ा भी कर सकते हैं, इसे मैं छोटा कर रही है, एक ही साइज का बनाएंगे, अच्छा लगेगा। देखना ऐसा बना रही है मैं, थोड़ा सा तिक्के है ये देख साइज। अभी और एक बना के दिखाती हूँ, एकदम बढ़िया टेस्ट आ जाता है। अभी सीजन है ना पत्ता का, बहुत ही अच्छा मेथी मिलेगा, आप लोग ऐसे बनाइए। देखा फ्रेंड्स ऐसे,
अब इससे भी काट देंगे हम लोग, और डिजाइन अच्छा एक साइज का आ जाता है ना, अच्छा लगेगा। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहे हैं, आप लोग भी सारा ऐसा ही बनाइए। बाकी साइड साइड में आता है ना, वेस्ट नहीं होएगा, ऐसे फिर ऐसा गोल बना के अभी परोटा और एक बना सकते हैं हम लोग, भी सारा ऐसा ही बनाने का है। अभी तवा गैस में चढ़ा दिया, अभी गर्म हो गए, मीडियम में रख दीजिए, हाई में नहीं रखने का। उसको ऊपर थोड़ा सा घी डाल रही है, आप लोगों को घी पसंद नहीं तो ऑयल भी डाल सकते हैं, घी से डबल टेस्ट आ जाएगा, अच्छे से रहेगा। अभी मेथी का, पालक का, सबका, ग्रीन वेजिटेबल का, ग्रीन लीव्स का सीजन है अभी, अच्छा अच्छा ऐसे ही बना के आप लोग खा लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा, अच्छा भी रहेगा, थोड़ा वैरायटी बनेगा घर में, बच्चा लोग भी खुश हो जाएगा, आप लोग भी खुशी से खा सकते हैं, बोर हो ना वही 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 बना के। मीडियम में रख दीजिए, हाई में नहीं रखना गैस को, अंदर से पक जाएगा तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा आराम से बनाइए, एकदम अच्छे से अंदर से पक जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कच्चा कच्चा नहीं रहेगा, पत्ता भी बॉईल हो जाएगा ना, कुक हो जाएगा, अच्छा रहता है। देखा फ्रेंड्स अच्छा लग रही है, अभी देखा फ्रेंड्स कैसा लग रहे है ना, एक को एक हो गया, निकाल दिया मैंने, फिर दूसरा भी दिखाती हूँ। ऐसा अच्छे से लाल अंदर के मीडियम में रख के एकदम अच्छा पक जाएगा ना ये परोटा, दो तीन दिन खा सकते हैं, खराब नहीं होएगा ये। थोड़ा घी डाल के, नहीं तो ऑयल थोड़ा सा डाल के बनाएंगे ना, एकदम अच्छे से दो दिन खा सकता है ये। आप लोग को अच्छा लगेगा तो लहसुन भी डाल सकता है, मैंने ही डाला है, कोई डाला नहीं है, आप लोग को चाहिए तो तीन चार कली थोड़ा सा लहसुन कद्दूकस करके मिक्स कर दीजिए, नहीं तो अदरक और लहसुन पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। कितना अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा खुशबू भी आ रही है मेथी का, एकदम बढ़िया लग रही है। देखना ये भी हो गया सारे, ऐसा ही बनाइए आप लोग, देखना आपने मीडियम में रख के आराम से ऐसा एकदम ये कलर आने का है, अंदर से पक जाएगा। घी थोड़ा थोड़ा डालते, नहीं तो ऑयल ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल के एकदम अच्छा बनाएंगे ना, एकदम दो तीन दिन रख के खा सकते हैं, खराब ये बिल्कुल नहीं होएगा ये। तभी मैंने तीन तीन डाल रही है, छोटा छोटा बना है ना, तवा में तीन तीन भी डाल सकते हैं आप लोग, छोटा बनाएंगे तो एक 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 टाइम लगता है, ऐसा तीन तीन भी डाल सकते हैं। कितना अच्छा आ गया देखना, बहुत प्यारा दिख रहा है ना, छोटा छोटा परोटा, बच्चा लोग भी खुश हो जाएगा, प्लेट में डाल के दिया तो हम लोग को भी देखने में कितना सुंदर दिख रही है ना, बहुत खुशबू भी आ रही है बनाने के टाइम, बहुत अच्छा रहेगा। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया, बाजरा और मेथी का परोटा है, कितना अच्छा बन गया है, हेल्थ को भी बहुत ही अच्छा है। मैं दही के साथ बनाया ना, पहले दही डाल के हम लोगों ने परोटा बनाया ना, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। फिर भी आप लोगों को दही के साथ अच्छा लगेगा तो खा सकता है, ये मिर्ची के अचार के साथ भी बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़े दिन पहले रिलीज किया है मैंने ये हरी मिर्ची का अचार का, आप लोग नहीं देखेगा तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ऐसा बनाइए, बनाने के बाद कैसा टेस्ट आया, कैसा लगा, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग को फ्रेंड्स को परिवार को मेरा चैनल फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, जरूर बनाइए खा लीजिए, बहुत हेल्दी चीज़ है, अच्छा खा के हेल्दी रहिए। Bye friends, see you, take care.